व्हाई शुड वी हायर यू? दोस्तों ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरली ये लास्ट सवाल होता है या सेकेंड लास्ट सवाल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये मेरे हिसाब से नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो बन चुका है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो आप देख चुके हो, नहीं देखे हो तो फिर देख लेना। व्हाई शुड वी हायर यू? आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप व्हाई शुड वी हायर यू का आंसर दे दोगे। इस वीडियो में हम तीन चीज देखेंगे। नंबर वन, व्हाट डज द इंटरव्यू वांट टू नो? जब आपसे कोई इंटरव्यूअर ये पूछता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो वो क्या जानना चाहता है। नंबर टू, वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जिससे आप व्हाई शुड वी हायर यू का सही आंसर दे सकते हो, मतलब अच्छा आंसर दे सकते हो। सही आंसर तो कुछ है नहीं इसमें, सही गलत कुछ नहीं होता। थर्ड इज बोनस टिप। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्या ऐसा चीज कर सकते हो जिससे आप हमेशा इंटरव्यू क्रैक करो और व्हाई शुड वी हायर यू का आप हमेशा एक परफेक्ट और बढ़िया आंसर दो। दोस्तों जनरली जब आपसे पूछा जाता है या किसी से पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू, तो दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही हम्बल होते हैं, वो बताते ही नहीं अपने बारे में कुछ। तो इंटरव्यूअर तो आपका भाई बहन नहीं है, वो खुद तो अंतर्यामी नहीं है कि उसे पता है कि आप क्या हो और आप जॉब अच्छे से करोगे। आधी घंटे में या 40 मिनट में आपको इंटरव्यूअर को ये बताना है कि देखिए आई एम द राइट फिट फॉर द जॉब, आप मेरा इंटरव्यू ले लो, आपको और लोगों का इंटरव्यू लेना नहीं पड़ेगा। तो आपको बताना तो पड़ेगा आप में क्या खासियत है। दूसरी बात, आपको इतना एरोगेंटली भी नहीं बताना है कि यू नो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसे शाहरुख खान की तरह तो नहीं बताना है कि यू नो आई एम जस्ट द बेस्ट। बता सकते हो आप, पर उसके लिए आपको पुल ऑफ कर पाना होगा, तो आपको ज़्यादा एरोगेंट नहीं बनना है। तो दोस्तों अब आप अपना राइट जो आप लाते हो ये कैसे बताओगे इंटरव्यूअर को? दोस्तों तीन चीजें आपको इंटरव्यूअर को बतानी है, तीन चीजें। असली फॉर्मूला क्रैक करने का है, थ्री फेज फॉर्मूला। नंबर वन, आप क्या स्किल्स लाते हो जो जॉब के लिए राइट फिट है? जॉब जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा उसके लिए आपको एग्जैक्टली सिमिलर स्किल्स बेचनी है इंटरव्यूअर को जब आपसे वो पूछ रहा है व्हाई शुड वी हायर यू। नंबर टू, आपको स्टोरीज बतानी है। आपको ये नहीं बोलना है, ऐसे देखिए मैं बताता हूँ, आपको ये नहीं बोलना है हाय आई एम वेरी स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, आई कैन डू ऑल हार्ड वर्क एंड आई एम एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम, सो आई एम वेरी वेल एडुकेटेड, आई एम फिट फॉर द जॉब। नहीं बाबा, आईआईएम से बहुत सारे लोग और हैं। हार्ड वर्किंग तो रिक्शा वाला भी होता है, तो क्या उसको जॉब दे दे? हार्ड वर्किंग बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग आईआईएम से हार्ड वर्किंग है। मैं जानता हूँ आईआईएम वाले लोग हार्ड वर्किंग होते हैं तभी आईआईएम जाते हैं, तो मैं क्या हर आईआईएम वाले को जॉब दे दूँ? इससे मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, मुझे आईएम वाले को जॉब देना है, इसे तो मैंने आपको शॉर्टलिस्ट किया। अब आप इंटरव्यू भी यही बता रहे हो कि आप आईएम से हो, तो आप अलग क्या बता रहे हो? आपको रेज्यूमे से कुछ अलग तो बताना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या दे? आप स्टोरीज बताओगे स्किल्स को लेके। आप बताओगे मान लीजिए कि जॉब है, मान लीजिए कि जॉब में कुछ अलग जॉब ले रहा हूँ, मान लीजिए कंसल्टिंग का जॉब है, ठीक है? तो आप पहले बताओगे आई एम एन एमबीए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंसल्टिंग व्हिच इज ऑब्वियस, बट आई सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अ फ्यू क्लाइंट्स ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। ड्यूरिंग दिस मेजर इंटर्नशिप आई हैड टू सॉल्व दिस मेजर प्रॉब्लम फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी, वेर इन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच मेड देम अर्न एंड सेव 100 करोड़ रुपीज, 100 लाख रुपीज इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, एंड आई सॉल्व दिस थ्रू दिस एंड दिस एंड दिस। तो आप क्या कर रहे हो? स्टोरी बता रहे हो। आप बताओगे कि आप वो इंटर्नशिप या वो कोई भी एक एक्सपीरियंस में आपने क्या किया जिससे आपको लगता है कि आपने जो जॉब में स्किल आपसे पूछा जा रहा है उसके लिए आप राइट फिट हो। आपको स्टोरीज बतानी होगी। और तीसरी चीज, आपको एटीट्यूड दिखाना होगा अपना, राइट एटीट्यूड। आपको बोलना होगा, कीन दिखाना होगा अपने आपको कि आपको वो जॉब चाहिए ही चाहिए। तो आपको बताना होगा कि आपने बचपन से लेके या पिछले 2 3 4 साल से अपने आप को ऐसा बनाया कि आपको यही जॉब चाहिए। आपको बताना होगा कि मैं कंसल्टिंग कॉलेज में भी इंटरेस्टेड था और उसके बाद जॉब में भी इंटरेस्टेड था, इसलिए मैंने ये सब इंटर्नशिप किया और आगे भी इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं आपके कंपनी में आना चाहता हूँ। आपको अपनी लाइफ स्टोरी की तरह बतानी होगी। तो ये तीन चीज़ें जरूरी है दोस्तों, स्किल्स, स्टोरीज एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपको स्टोरी की तरह बताना है, और एटीट्यूड, एटीट्यूड आपको राइट एटीट्यूड दिखाना है। ये तीन चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है, इन्हीं के वजह से, इन्हीं के बेसिस पे आप क्रैक कर सकते हो। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बोनस टिप क्या है, व्हाट इज दैट बोनस टिप,
दोस्तों देखिए, इस इंटरव्यू में मैं आपको ये, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई बोनस टिप है नहीं व्हाई शुड बी हायर यू का। व्हाई शुड बी हायर यू का एक ही बोनस है कि आप बहुत क्लियर रहो कि आपको क्या जॉब चाहिए, आपको क्या पैशन है, आपका क्या निश है। मैंने बताया है कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक निश बहुत आपको बनाना होता है कि आप किस चीज़ में उस्ताद हो। तो व्हाई शुड बी हायर यू में ना, अगर आपने ऑलरेडी एक निश बना लिया कि मैं इस चीज़ में उस्ताद हूँ, तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी लोग भी आपको फील कराएंगे कि तू इस फील्ड में उस्ताद है। तो जब इंटरव्यू आपसे पूछेगा ना कि मैं क्यों लूँ भाई इस जॉब के लिए, मैं तुझे क्यों लूँ, तो आप बोलोगे कि देखो मैं अपने आप को उस्ताद बना चुका हूँ इस फील्ड में, 1000 लोगों के लिए मैं उस्ताद हूँ, इसलिए मैं, मुझे लगता है मैं ये जॉब कर सकता हूँ, मेरा निश ये है, मेरी ब्रांडिंग ये है, मैं इसी के लिए जाना चाहता हूँ। तो आप मुझे जॉब नहीं दोगे कोई बात नहीं, कोई और दे देगा, पर जॉब तो मैं इसी रोल में करूंगा। ये कॉन्फिडेंस आप इंटरव्यू को दे दोगे ना, आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। वो कैसे आएगा आपको, अगेन पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, निश एक पकड़ना है, और कोशिश करना है कि जिस फील्ड में आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाई है उसी फील्ड में आप जॉब में अप्लाई करो, अलग जॉब में अप्लाई मत करो, तभी निकलेगा ये जवाब। दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।